Hi dear students, in front of you this is Shivani from Gyan Bharati. In today's video I will tell you an interesting story of three friends, the Bubble, the Strong and the Soon. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन दोस्त के बारे में एक कहानी सुनाऊंगी. जिस तीनों दोस्त का नाम है एक द बबल, जो जिसको हम लोग बोलते हैं बुलबुला. बबल बुलबुला आप लोग देखे होंगे, पानी में बनता है या बरसात के मौसम में भी बनता है, आप लोग देखे होइएगा. स्ट्रॉ जिसे हम लोग जूस या कुछ भी लिक्विड जो पीते हैं, पाइप के जैसा होता है. और शू जो हम लोग पैर में पहनते हैं, आप लोग भी पहनते ही होंगे. तो चलिए देखते हैं कि यह स्टोरी कैसा है, इस स्टोरी में क्या होता है. Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. एक बार की बात है, तीन दोस्त थे जिसमें से एक का नाम था बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू. मैंने आप लोगों को बताया भी है कि अभी हम जो तीन दोस्त के बारे में पढ़ेंगे उस तीनों दोस्त का क्या नाम है, बबल, स्ट्रॉ और शू. One day they went into the forest. एक दिन वे लोग जंगल में घूमने गए. They came to the river. They did not know how to cross it. जंगल में वह घूम रहे थे तो अचानक वह नदी के नजदीक पहुंच गए. लेकिन उन लोगों को तो आता ही नहीं था कि कैसे वे लोग नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाए, पार करके जाए. उन लोगों को तैरना नहीं आता था. The shoe said, "Bubble, let's float on you." तो बबल ने कहा, तब जूते ने कहा कि बबल यानी बुलबुले, मैं तुम एक काम करो, इस पानी पे तैरो, मैं तुम लोग हम लोग तुम्हारे ऊपर बैठ जाएंगे और एक नदी के से दूसरे नदी के किनारे पहुंच जाएंगे. उसके बाद हुआ यह कि जब ऐसा बात सुना बुलबुला तो उसको लगा कि वह तो जैसे ही नदी में पहुंचेगा वह तो छूट जाएगा. No, so let's straw stretches himself from one bank to the other, then we can cross the river. उसके बाद उसने बबल ने कहा, नहीं नहीं सू, मैं अगर वहाँ पे जाऊँगा तो मैं क्या लगा फूट जाऊँगा. इसके लिए एक काम करते हैं, स्ट्रॉ को यानी उसका एक और जो फ्रेंड था स्ट्रॉ, उसको सजेशन दिया बबल कि हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ को एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लिटा देते हैं, उसके ऊपर से हम लोग चले जाएंगे. So the straw stretches himself from one bank to another to other. When the shoe jumped on the straw, it brought the shoe fell into the water within a loud splash. उसके जैसा कि बबल ने उसको सजेस्ट किया तो स्ट्रॉ ने एक रिवर बैंक से दूसरे रिवर बैंक तक यानी एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक वह फैल गया यानी कि सो गया उस नदी पे. तो जैसे ही सू ने उसके ऊपर चढ़ना कोशिश किया, जंप किया कि स्ट्रॉ यानी जो पाइप था वह एक बार भी टूट गया उसका फ्रेंड का जो स्ट्रॉ था वह, और वह जूता जो था वह एक बहुत बड़े आवाज के साथ छींटे के साथ वो नीचे गिर गया उस नदी में. ऐसा देख करके बबल को बहुत हंसी आई और हंसते हंसते वह एक पत्थर से टकरा गया और वह भी फूट गया. द बबल सुक एंड सुक विथ लाफ्टर एंड ब्रश्ड विथ अ बिग बैंग. बबल हंसते हंसते लोटपोट होते होते और उसके बाद वह भी फूट गया यानी तीनों दोस्त उसी नदी में रह गए. तो बच्चों आपको यह स्टोरी कैसा लगा, अच्छा था ना, इंटरेस्टिंग था? आप लोग भी इसको पढ़िएगा, सुनिएगा और आप लोग भी अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा, खुद भी याद कीजिएगा. तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.